बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुजीबुल अभी और आप देख रहे हैं मुबीन हेल्थ टीवी। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो भी कोविड-19 से मुतल्लिक ही है। इस वीडियो में हम आपको कुछ अहम मालूमात देना चाहते हैं और वो मालूमात है कि इस इतनी ज़्यादा मेडिसिन शार्ट क्यों है, चाहे वो कोई एंटीबायोटिक हो, कोई बच्चों की मेडिसिन हो, कोई एंटी एलर्जिक मेडिसिन हो, कोई चेस्ट इन्फेक्शन या कोई भी मेडिसिन, अक्सर मेडिसिन शार्ट हो चुकी हैं। तो अब और उसके बाद एक और मसला जन्म ले रहा है कि अब कंपनी के जो स्टाफ होते हैं वो भी तकरीबन ख़त्म होना शुरू हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इसकी अहम वजह क्या है। तो दोस्तों, इसकी अहम वजह ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कोविड-19 की वजह से हर इंसान जो कि परेशान है और वो अपने आप को इससे महफूज रखना चाहता है। और दूसरा एक और अहम मसला ये दरपेश आ रहा है कि हर जो शख्स है वो हॉस्पिटल जाने से कतरा रहा है। कुछ ऐसी अफवाहें सरगर्म है हॉस्पिटल जाने के बाद कि हमें कोई इंजेक्शन लगा दिया जाता है या कोई ऐसे मसला बनता है जिसकी वजह से हमारी जान को खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताना चाहते हैं कि ऐसा कोई मसला नहीं है। कोई किसी को कोई इंजेक्शन नहीं लगा सकता, कोई डॉक्टर चाहे उसको जितने मर्जी पैसे दें, कोई किसी को ऐसे इंजेक्शन लगाकर जान से नहीं मार सकता, ये गलत फहमी है। तो आए अपनी वीडियो की तरफ आते हैं कि ये जो दवाइयों की शार्टेज है ये क्यों हो रही है। उसकी वजह ये है कि हर शख्स जो कि किसी भी मसले में मुबतला होता है, चाहे उसे आम नज़ला, फ्लू, खांसी वगैरह या कोई भी मसला हो, तो वो फौरन सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर मेडिसिन का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। वो ये नहीं सोचता कि इसकी हमें ज़रूरत है भी कि नहीं। हर शख्स मेडिसिन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा शुरू कर देता है और स्टॉक की सूरत में अपने घर में भी स्टॉक करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, यही एक अहम वजह है कि जिसकी वजह से मेडिसिन शार्ट है। और अक्सर जो बहुत ही ज़रूरी पेशेंट होते हैं या जिन्हें उस मेडिसिन की ज़रूरत होती है उन्हें वो मेडिसिन नहीं मिल पाती, क्योंकि हर कंपनी का मखसूस कोटा होता है, मखसूस स्टाफ होता है उनके पास। अगर वो दोबारा वो जो उनका बैच बनते हैं या वो स्टाफ ख़त्म हो जाए उनके टाइम से पहले, तो उन्हें वो दोबारा परचेज करना पड़ता है, इस वजह से उनको बहुत से मसाइल दरपेश आते हैं। इसलिए कंपनी की कोशिश होती है कि हमने जो कोटा अपने एक साल के लिए परचेज़ किया था हम उसी पर इतफा करें, यानी कि वो अगर ख़त्म हो गया तो वो कोशिश करते हैं कि हम दोबारा उसको मैनुफैक्चर ना करें। लेकिन बहुत हंगामी हालात में कुछ कंपनियां से मैनुफैक्चर भी करती हैं, कोई उस दोबारा मैनुफैक्चर करने की वजह से उन्हें कोई रिटेल प्राइस का मसाइल आते हैं, तो इसलिए ये मेडिसिन शार्ट होना शुरू हो गई है। हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं कि कोविड-19 के बारे में अगर आपको कोई सिम्टम ऐसी नज़र आती हैं तो वो उस सिम्टम को देखते हुए आप इतनी मेडिसिन का इस्तेमाल बेदरेक शुरू ना कर दें, क्योंकि आम जो नज़ला, खांसी या बुखार है वो ये वायरस का इन्फेक्ट ज़्यादा नहीं हो सकते। आपको इससे बचने के लिए सिर्फ अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर और स्ट्रॉन्ग रखना है। वो इसी तरह मुमकिन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर करना भी चाहते हैं तो मल्टीविटामिन का इस्तेमाल कर लें, विटामिन सी, कैल्शियम वगैरह, कैल्शियम डी जो है विटामिन डी में, जो मल्टीविटामिन में या विटामिन सी में दस्तियाब है उसको इस्तेमाल कर अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसलिए हम अपनी वीडियो में भी ये हमेशा बात करते हैं कि नेचुरल तरीके से अपनी जो डाइट है उसको मेंटेन रखें। अगर आपकी पहले से डाइट मेंटेन होगी तो आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होगा और वो किसी भी वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने के मुताबिक होगा। तो सिर्फ यही बात आपको बताना चाहते थे कि किसी भी मेडिसिन का बेदरेक इस्तेमाल ना शुरू कर दें, क्योंकि जो भी आपके मसाइल हैं, चाहे चेस्ट इन्फेक्शन है, बुखार है, नज़ला, खांसी है, आपको ये मालूम ही नहीं कि वो जो बैक्टीरिया आपके ऊपर हमलावर है वो उस बैक्टीरिया के लिए जो आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे हैं वो सूटेबल है अभी कि नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि वो बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक को अपनी खुराक बना ले और उसके खिलाफ रेजिस्टेंस कायम कर ले, जो कि आपके लिए बहुत से मसाइल का बास बन सकती है। तो एक बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, अपनी गज़ा को मेंटेन करें, हल्का फुल्का खाने का इस्तेमाल करें, तली हुई ज़्यादा मसालेदार मुर्गी गज़ाओं से परहेज़ करें और कोशिश करें कि आपका जो निज़ाम निज़ाम है वो ठीक हो, चेस्ट इन्फेक्शन ना हो, गला ख़राब ना हो, नज़ला, खांसी वगैरह ना हो। ये इसी सूरत में मुमकिन है
कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। अगर तो आपको हमारी वीडियो पसंद आए, इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।